के चंदौसी के बिसोली गेट स्थित राम प्यारी आर्यकन्ना इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान विभिन्न कक्षाओं की 7 छात्राएं बेहोश हो गईं, जिसमें 6 को उनके परिजन घर ले गए, जबकि 1 छात्रा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिभावकों ने स्कूल पर लापरवाही बरतने तथा गर्मी से बचने के कोई उपाय न होने का आरोप लगाया है। राम प्यारी आर्यकन्या इंटर कॉलेज में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान गर्मी के चलते 7 छात्राएं बेहोश हो गई। इससे स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रधानाचार्य शशिबाला व शिक्षिकाओं ने इसकी जानकारी तुरंत छात्राओं के अभिभावकों को दी। सभी अभिभावक तुरंत स्कूल पहुंचे और अपनी बेटियों को अपने साथ ले गए, लेकिन फिफ्थ ए की कुमकुम की हालत गंभीर होने पर उसे एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में हालत में सुधार होने पर छात्रा को घर भेज दिया गया। कहाँ रहती है ये बच्ची आपकी? है कहाँ पढ़ती है? सर मैं सरकारी राम प्यारी। क्या हुआ इसको? ये अच्छी वाली घर से आई सर, तो इसको पता नहीं स्कूल में तबीयत खराब हुई। क्या हुआ था? अब ये ही जाए हमें तो पता नहीं है कुछ, हमें तो ये गैर में लाते हुए मिली। तो गैर में मिलाई आपको सूचना दी गई? हाँ। तो स्कूल के लोग भी यहाँ पे आए थे? कहाँ गए? वो चले गए वापसी, छोड़ के चले गए बच्ची को। हाँ। अभी गए। अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? बोतल बोतल लगाइए। अब ठीक है बच्ची आपकी? हाँ तो बोल रही है। शशिबाला, किस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं आप? मैं रामचारी इंटर कॉलेज की। सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ बच्चियाँ बेहोश हुई हैं, तबीयत खराब हुई है, क्या मामला है? सर यहाँ रात भी लाइट नहीं थी, बच्चे घर से ही परेशान थे, और बच्चे जैसे ही तबीयत खराब हुई हमने ऐड तुरंत ही डॉक्टर भी बुला लिया और ऐड दे दी थी बच्चों को दवाइयाँ, इलेक्ट्रोलाइट ORS हमने बच्चों को तुरंत ही पिला दिया था। बच्चे होश में आ गए थे और उनको गार्जियंस को तुरंत ही सूचना दे के हमने गार्जियंस के साथ बच्चों को भेज दिया। कितनी बच्चियाँ थी? बच्चियाँ तो हमारे पास में थी जो जिनकी तबीयत खराब हुई, कई बच्चियाँ थी 8-10 बच्चियाँ थी। क्या प्रॉब्लम थी उनमें से? 5 बच्चे, एक बच्चे की तबीयत ऐसी कि हमें उसे हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ा। मेरी टीचर्स भी हैं, बाबू भी साथ हैं, और हम सभी बराबर प्रयासरत रहे थे कि बच्चा स्वस्थ हो जाए, लेकिन कारण बच्चों का ये था कि बच्चे खाली पेट थे, कुछ बच्चे खाना खाए हुए नहीं थे, तो इस वजह से उन बच्चों को घबराहट हुई थी। गर्मी की वजह से दिक्कत आई? गर्मी की वजह से दिक्कत आई। ठीक। मेरा डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान। सरकारी में किस पद पर हैं आप? चिकित्सा अधिकारी। अच्छा, ये आपके अभी एक बच्ची आई है, स्कूल की छात्रा बताई जा रही है, क्या मामला है, क्यों आई है? ये इस समय थोड़ा सा गर्मी का मौसम है तो पसीना वसीना बहुत ज़्यादा आता है, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में घर से आते हैं तो खा के भी नहीं आते, इसलिए BP भी डाउन हो जाता है एकदम, जब बच्चे कई जगह बैठे हों तो ज़्यादा पसीना आने की वजह से या अधिक गर्मी होने की वजह से थोड़ा सा इनको बेहोशी आ जाती है, थोड़ा किशोरावस्था है तो एनीमिया की भी एक दिक्कत रहती है, थोड़ा खाना ना खा पीना, कुपोषण की दिक्कत, ये सारी समस्याएं इसे इसमें होती भी हैं, उसके लिए प्रॉपर घर से अपना खाना पीना, प्रॉपर घर से अपना खाना वगैरह खा के आएँ, पानी बहुत अच्छे अमाउंट में पिए तो ये समस्याएँ कम होती है। अब बच्ची की हालत कैसी है? अब बच्ची की हालत कैसी है?